खबर इंदौर से है, जहां रावजी बाजार और छावनी इलाके के बीच बने एक नाले में शुक्रवार दोपहर दो मासूम बच्चे बह गए। सूचना के दो घंटे बाद तक नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने बच्चों की तलाश में कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाए। देर शाम तक टीमें बच्चों को नहीं ढूंढ पाई। फिलहाल सर्चिंग जारी है। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चों के साथ एक अन्य बच्चा भी खेल रहा था, उसने ही दोनों के बहने की जानकारी परिवार को दी थी। एसीपी दिशेश अग्रवाल के मुताबिक घटना दोपहर करीब 3:30 बजे के लगभग की है। शंकरबाग की बस्ती में रहने वाले यश बंसल, उसका छोटा भाई कृष्ण बंसल पानी में डूब गए, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों सगे भाई रहवासियों ने बताया कि यश, कृष्ण और उनका रिश्तेदार 5 वर्षीय राज तीनों नाले के किनारे खेल रहे थे। तेज बारिश के चलते नाले में काफी बहाव था। इस दौरान यहां कृष्ण का पैर फिसल गया, जिसे पकड़ने के लिए नाले की तरफ यश भी बढ़ा, लेकिन दोनों बहाव में बहते हुए चले गए। 5 साल के राज ने रोते हुए उन्हें आवाज लगाई। जब परिवार के लोगों ने बाहर झांक कर देखा तो बच्चे नाले में दिखाई नहीं दिए। इसके बाद रहवासियों ने आसपास उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिले। तुरंत परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन वहां से भी काफी देर बाद जवाब आया। यश और कृष्ण के पिता टेंट हाउस पर काम करते हैं। रहवासी रविशंकर ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने पार्षद को मौके पर बुलाया था, नगर निगम और पुलिस से मदद मांगी। करीब 2 घंटे तक वह मौके पर इंतजार करते रहे। शाम 5 बजे बच्चों की सर्चिंग का काम शुरू हो पाया। पुलिस के मुताबिक SDRF की टीम उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रही है। समय की घटना है, बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते एक छोटे वाले बालक का फिर फिसल गया। उसको पकड़ने में उसका बड़ा भाई गया, उसका हाथ पकड़ने के साथ साथ पानी का बहाव बहुत अधिक तेज होने के कारण दो ही बच्चे पानी में बह गए। उनको पीछे बच्चे को पकड़ने दौड़े, बाकी जब तक पानी का बहाव इतना तेज था और कोई सुविधा नहीं होने के कारण जब तक रहवासी दौड़े, जब तक बच्चे बहुत आगे जा चुके थे। हमारे लेवल पर हमने रहवासियों ने प्रयत्न करा, बाकी हम उन्हें पकड़ नहीं पाए। हमने आगे जानकारी पहुँचाई, लेकिन थोड़ी व्यवस्था लेट होने के कारण अभी तक उस स्थिति को स्थिति समझ नहीं पाई। अधिकारी लोगों को फोन लगाने के ठीक 2 घंटे बाद यहाँ पे नगर निगम के अधिकारी और वगैरह जितने भी जो कुछ कर सकते थे उन लोगों का पहुंचना सबका 2 घंटे बाद हुआ। जब तक स्थिति सारी हाथ से जा चुकी, हमारे पार्षद मोदी सब हमारे बीच आ चुके थे, उनके थ्रू भी बातचीत की गई, लेकिन सर्वप्रथम जब पहला फोन नगर निगम को लगाया गया तो उनसे हमको ये कहा गया कि हमारे पास अभी बल उपस्थित नहीं है, इसमें की कोई टीम नहीं हमारे पास। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। पंडित रविंद्र शर्मा।